नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपना सर्वे कर चुकी है, बीजेपी का भी सर्वे तैयार है। कांग्रेस के सर्वे में ये दावा किया गया है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है, पार्टी जीत रही है। और बीजेपी की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है, ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच झगड़े को पूरे देश ने देखा है। उनके कार्यकर्ता एक साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं। ऐसी स्थिति में झगड़ा खत्म हो गया है, ये बात कैसे मान सकते हैं? इनकी महत्वाकांक्षा ये है कि जिसको मौका मिलेगा वो लूटपाट करेगा। सीएम गहलोत और पायलट के बीच झगड़ा कोई समाज सेवा के लिए झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि जितनी भी लूटपाट होगी उसमें हमें कितना हिस्सा मिलेगा। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार जैसी देश में हुआ करती थी, वैसी ही राजस्थान में है। ये बयान बीजेपी सांसद भोला सिंह ने दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अलग अलग राज्यों से 200 विधायकों को राजस्थान के नेताओं की फीडबैक के लिए बुलाया था, जो काम पूरा भी हो चुका है। इसके आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आने का दावा कर रही है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया। भाजपा का यह कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव के समय जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन को भी आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया है। राजस्थान में पानी की सबसे बड़ी समस्या है और पानी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना में भी भ्रष्टाचार किया गया है। इस बार गहलोत सरकार पर करप्शन के आरोप लगातार लगते आए हैं और गहलोत ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और जनता को गुमराह करना बताया है। और बात गहलोत के झगड़े की करें तो फिलहाल तो सब ठीक नजर ही आ रहा है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट साथ दिखते नहीं हैं। अगर दिखते भी हैं तो बातचीत नहीं होती। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।